वेलकम टू स्टडी एंड स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाटा का फ्यूचर प्लान क्या है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पिछली गवर्नमेंट ने एक फाटा का डेवलपमेंट प्लान दिया था, जिसमें 1 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीज़ जो फाटा में इन्वेस्ट किए जाएंगे उसकी डेवलपमेंट में लगाए जाएंगे। तो उसके बाद जो है करंट गवर्नमेंट, इसने इसी प्लान को आगे एक्सटेंड किया है और इस प्लान में वो पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं और फाटा का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, ट्रेड इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस सारे में, इस सारे को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि उनके आगे फाटा के लिए क्या क्या प्लान है। तो बेसिकली फाटा को आप अगर देखते हैं तो ये एक स्ट्रिप चल रही है अफगानिस्तान के साथ साथ। तो जैसे देखें, बाजोड़ एजेंसी है जो, वो कुनार जो अफगानिस्तान का सूबा है तो उसके साथ चल रही है। इस तरह जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान एंड साउथ वज़ीरिस्तान, वो पकटिका हैं जो अफगानिस्तान के एरिया, उनके साथ चल रहे हैं। और एक साइड पे पेशावर है और दूसरी साइड पे इसका है बलूचिस्तान। तो इसका, इसमें एजेंसीज हैं डिफरेंट, और ये एजेंसीज पहले 9/11 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गई थी, अफगानिस्तान से आ रही थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने 10 ऑपरेशन किए और जिसके बाद, लेकिन अब बॉर्डर वॉल भी बन रही है अफगानिस्तान के साथ, तो इसके बाद जो हालात बेहतर हो गए हैं, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़ जो थे वो वहाँ से गए, दूसरे इलाकों में शिफ्ट हुए, तो इस वजह से हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन जब से ये मर्ज हुआ है पेशावर के साथ, तो इसको बेहतर करने की, डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है और इसको हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है इसके में। तो इसके लिए ये है कि बेसिकली सेमी ऑटोनमस ये ट्राइबल रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में। तो फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया और बेसिकली इसकी 7 एजेंसीज हैं और 6 फ्रंटियर्स हैं इसके। और बाकी अब ये जो एजेंसीज हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स बना दी गई हैं। और तो पहले जो यहाँ पे वो लॉ था वो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन था और FCR, और ये बड़ा क्रूल लॉ समझा जाता था जो कि कॉलोनियल एज से आ रहा था। तो अब ये यहाँ पे जो हैं इसमें जो प्रॉपर मर्ज होने के बाद ये एक सूबा बन गया, तो प्रॉपर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट होगी और पेशावर कोर्ट होगी जो कि यहाँ पे केसेस का जो भी फैसला करेंगे, और ट्राइबल एरिया के लीडर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। जब 25th अमेंडमेंट हुई है, फिर प्रेसिडेंट ने जब इसको असेंट किया है, तो 31 मई 2018 को तो फाटा जो ऑफिशियल मर्ज हो गया था खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसमें जो फेडरल का ये 10 साल का जो है प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने, इसमें ₹100 बिलियन विल बी स्पेंट ऑन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एवरी ईयर। और तो इफ्तखार दुरानी जो है स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी कहा है कि, उन्होंने कहा है कि हम जो 10 साल में टोटल ₹1 ट्रिलियन जो है ना वो फाटा में डेवलपमेंट पे लगाएंगे। तो इसमें साथ साथ उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन बनेंगे यहाँ पे, जॉब्स क्रिएट करेंगे और जो लोकल लोग हैं उन्हीं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, और स्कूल नए बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स के लिए बिल्डिंग्स रेंट पे ले ली गई हैं और फ़ोन सर्विस को बहाल की, अभी बाजोड़ में फ़ोन सर्विस है और दूसरी एजेंसीज में एक्सटेंड होगी फ़ोन सर्विस, और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बेहतर किया जाएगा। बाकी जो फाटा की बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो टूरिज्म जो है वह फाटा में वो एक्सटेंड की जाएगी और लोगों को ये जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुल एरिया है पाकिस्तान का, इसमें लोग इसमें आएंगे और टूरिज्म के लिए इसको यूज़ करेंगे और टूरिज्म से इसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अभी वहाँ पे सिस्टम ये है कि पॉलिटिकल एजेंट्स हैं और वो मैनेज करते हैं और उनके नीचे असिस्टेंट्स हैं। तो अब ये हुआ कि जो रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और पेशावर हाई कोर्ट की, वो एक्सटेंड हो गई है ट्राइबल रीजन में। तो
डिस्ट्रिक्ट्स बन रही हैं और सेशन कोर्ट्स बन रहे हैं, और ये दो से चार महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो जो फाटा इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 ये अभी इसको हेड कर रहा है, तो ये जो कर रिप्लेस कर रहा है फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन को। तो डेट व्हाट इज इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।